नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है यानी पीएनबी में आपका अकाउंट है और उस पीएनबी अकाउंट में मोबाइल बैंकिंग को रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं यानी पीएनबी मोबाइल बैंकिंग को चालू करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम तो कैसे कर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके कंप्लीट प्रोसेस करके बताने वाला हूं कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से पीएनबी मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करेंगे। बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते तो मैं आपको यहाँ पे 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, यहाँ पे आप अपना पीएनबी मोबाइल बैंकिंग को आसानी से यूज़ कर सकते हैं, आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आसानी से चला सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सिंपली आपको यहां पे क्या करना है, आपको पीएनबी का ऑफिशियल एप्लीकेशन यहां पे आपको इंस्टॉल करना होगा। तो यहां पे आप सर्च बार में आप टाइप करेंगे, यहां पे आपको लिखना है पीएनबी वन लिख के सर्च करेंगे। जैसे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद यहां पे आपको सबसे ऊपर में देखने मिल जाएगा पंजाब नेशनल का ऑफिशियल एप्लीकेशन पीएनबी वन। बस क्या करना है आपको, सिंपली इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इस एप्लीकेशन को पहले से इंस्टॉल कर रखा है। इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है, इस एप्लीकेशन को आप यहां पे सिंपली आप यहां पे ओपन कर लेंगे। जैसे आप यहां पे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके सामने इसका इंटरफेस इस तरह से देखने मिलेगा। यहां पे आपको व्हाइल यूजिंग द ऐप में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहां पे अलाउ पे क्लिक करेंगे, अलाउ पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको दोबारा अलाउ पे क्लिक करेंगे। यहां पे आपको 3 टाइम अलाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका इंटरफेस इस तरह से देखने मिलेगा। तो सबसे पहले यहां पे गाइस क्या करना है आपको, यहां पे ऊपर देखने मिलेगा प्रोसीड टू लॉगिन। बस क्या करना है आपको, सिंपली प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से यहां पे इंटरफेस देखने मिल जाएगा। तो गाइस यहां पे तो आपके पास पंजाब नेशनल बैंक का आपका यूजर आईडी और यहाँ पे आपको पासवर्ड पता नहीं है, यानी आप तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किए नहीं, तो उसको उसके लिए गाइज आपको करना है क्या कि सबसे पहले यहाँ पे आपको नीचे देखने मिलेगा ट्रबल साइन इन। बस क्या करना आपको, सिंपली ट्रबल साइन इन पे आपको यहाँ पे नीचे में इस जगह क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो गाइज सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, अपना आईडी यानी यूजर आईडी पता कर लेंगे, आपका जो पीएनबी का मोबाइल बैंकिंग का यूजर आईडी क्या है। तो उसको पता करने के लिए सिंपली क्या करना आपको, यहाँ पे सेकंड नंबर में देखने मिलेगा चेक योर यूजर आईडी। बस क्या करना आप, सिंपली आपको चेक योर यूजर आईडी में आपको यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा अकाउंट नंबर, यानी आपको क्या करना, आपका जो पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट नंबर होगा उस अकाउंट नंबर को यहाँ पे आपको फिलअप करना, आपका जो भी अकाउंट नंबर होगा सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, अपना अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे। अकाउंट नंबर फिलअप करने के बाद देन आपको यहाँ पे नीचे देखने मिलेगा कंटिन्यू। बस क्या करना आपको, सिंपली इस कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप यहां पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने बाद आपके बैंक अकाउंट पे जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी को सेंड किया जाता है, यानी उस नंबर पर एक ओटीपी मिलेगा आपको। यहां पे देख सकते हैं एंटर वन टाइम पासवर्ड, यहां पे देख सकते हैं मेरा फाइनली मेरा यहां पे ओटीपी आ चुका है। उस ओटीपी को क्या करना है, यहां पे आपको फिलअप करना है। तो चलिए मैं यहां पे अपना ओटीपी को फिलअप करता हूं। ओटीपी फिलअप करने के बाद यहां पे आपको नीचे में देखने को मिलेगा येलो कलर का कंफर्म। बस क्या करेंगे, सिंपली आपको यहां पे कंफर्म में क्लिक करेंगे। जैसे आप यहां पे कंफर्म में क्लिक करेंगे, क्लिक करने बाद यहां पे आपको देखने मिलेगा सक्सेस, और यहां पे आपको देखने मिलेगा योर यूजर आईडी फॉर इंटरनेट बैंकिंग इज, यहां नीचे में आपका यहां पे यूजर आईडी देखने मिल जाएगा। यहां पे देख सकते हैं गाइस जो कि मेरा यहां पे यूजर आईडी फाइनली यहां पे मुझे मिल चुका है। यहां पे देखेंगे योर यूजर आईडी फॉर इंटरनेट बैंकिंग इज, यहां पे आपको नीचे आपको देखने मिलेगा U5, यानी आपका यहां पे कुछ भी हो सकता है आपका यूजर आईडी। तो यहां पे क्या करेंगे, इस यूजर आईडी को आपको क्या करना, आपको कॉपी में लिख लेना है। तो क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। यहां पे नीचे में देखने मिल जाएगा यूजर आईडी, इस यूजर आईडी को क्या करेंगे, सबसे पहले आपको कॉपी में यहां पे लिख लेना है। तो चलिए मैं इस अपना यूजर आईडी को अपना पे स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूं, अपना कॉपी में लिख लेता हूं। यहां पे अपना यूजर आईडी को अपने कॉपी में लिखने के बाद उसके बाद क्या करना, सिंपली आपको नीचे देखने को मिलेगा साइन इन। बस क्या करना आपको, सिंपली यहां पे साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको क्या करना, फिर से आपको यहां पे क्या करना है, आपको यहां पे देखने मिलेगा प्रोसीड टू लॉग इन। बस क्या करना, फिर से आपको प्रोसीड टू लॉग इन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे गाइस क्या करना आपको, यहां पे आपको देखने मिलेगा यूजर आईडी। यहां पे क्या करेंगे, आपको जो यूजर आईडी मिला होगा, आप अभी जो आपने यूजर आईडी पता प्राप्त किए हैं, उस यूजर आईडी को यहां पे आपको फिलअप करना है। तो चलिए मैं यहां पे अपना यूजर आईडी को फिलअप कर दूं। यहां पे आपको जो भी यूजर आईडी मिला होगा अपना, उस यूजर आईडी को यहां पे क्या करेंगे, सिंपली आपको यहां पे टाइप करना। तो चलिए मैं अपना यूजर आईडी टाइप कर लेता हूं। यहां पे अपना यूजर आईडी को सही सही टाइप करने के बाद उसके बाद सिंपली आपको यहां पे नीचे देखने मिलेगा साइन इन। बस क्या करना आपको, सिंपली इस साइन इन पे नीचे वाला साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे साइन इन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, यानी आपका जो पीएनबी यानी पीएनबी बैंक अकाउंट में यानी पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर को यहाँ पे चूज करना। अगर आपका सिम वन पे लगा हुआ रहेगा तो सिम वन पे क्लिक करेंगे। अगर आप सिम टू में आपका मोबाइल नंबर यानी आपका सिम कार्ड लगा हुआ जो भी मोबाइल नंबर आपके बैंक से लिंक है तो यहाँ पे सिम टू में क्लिक करेंगे। जैसे मेरा पे सिम वन में मेरा है सिम लगा हुआ, सिम वन में लगा हुआ मेरा जो भी पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट से लिंक है तो मैं यहाँ पे सिम वन पे क्लिक करता हूँ। सिम वन पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको नीचे देखने मिलेगा कंटिन्यू। बस क्या करेंगे, सिंपली आपको यहां पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने बाद इस तरह से लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपको यहां पे कुछ सेकंड वेट करेंगे। यहां पे देख सकते हैं यहां पे वेरीफाई किया जा रहा है, यहां पे लोडिंग लेगा, आपको बस कुछ सेकंड आप यहां पे वेट करेंगे।
जैसे वेट करेंगे, वेट करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। आपका बैंक अकाउंट में, पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल पर एक ओटीपी को फिर दोबारा से सेंड किया जाएगा। देख सकते हैं मेरा एक ओटीपी आ चुका, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको सही से ही फिलअप करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना ओटीपी को फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना ओटीपी को सही से ही फिलअप करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कंटिन्यू। अगर आपका यहाँ पे ओटीपी नहीं आता तो यहाँ पे आपको ऊपर देखने मिलेगा रिसेंट ओटीपी, यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे तो आपका ओटीपी आ जाएगा। अगर आपके यहाँ पे ओटीपी आ चुका अपना ओटीपी फिलअप करने के बाद, उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे देखने मिलेगा कंटिन्यू। बस क्या करेंगे, सिंपली आपको इस कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका इंटरफेस इस तरह से देखने मिलेगा। यहाँ पे आपको गाइस अपना एम पिन सेट करना है, यानी आपका जो पीएनबी बैंक मोबाइल बैंकिंग आप यूज करना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे 4 डिजिट यानी 4 अंक का यहाँ पे आपको एम पिन सेट करना होगा। यहाँ पे आप जब भी लॉग इन करेंगे आप क्या करेंगे, सिंपली अपना एम पिन डालेंगे, आप यहाँ पे पीएनबी मोबाइल बैंकिंग में आप सिंपली लॉग इन हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना, आपको 4 डिजिट का यहाँ पे आपको एम पिन टाइप करना। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना 4 डिजिट का यहाँ पे एम पिन टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना 4 डिजिट का एम पिन टाइप करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे देखने मिलेगा कंफर्म एम पिन, यानी आपने जो भी एम पिन आप यहाँ पे ऊपर फिलअप किए उसी एम पिन को आपको नीचे में सही सही फिलअप करना है। जो भी आप ऊपर में फिलअप किए उसी एम पिन को आपको नीचे भी फिलअप करना है। तो चलिए मैं नीचे भी फिलअप कर ले। यहाँ पे अपना दोनों जगह सही सही एम पिन फिलअप करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे देखने मिलेगा सबमिट। बस क्या करेंगे, सिंपली आपको इस सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने आप यहाँ पे देखेंगे सक्सेस एम पिन सेट सक्सेसफुली, यानी यहाँ पे आपका सक्सेस, यहाँ पे आपका जो आपका रजिस्ट्रेशन है बस सक्सेसफुली यहां पे हो चुका। उसके बाद सिंपली क्या करना, आपको यहां पे नीचे देखने मिलेगा साइन इन। बस क्या करना, आपको सिंपली साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। यहां पे आपका नेम आ जाएगा, जो भी आपका अकाउंट होगा जिसके नाम से, यहां पे देख सकते हैं मेरा यहां पे नेम आ चुका। उसके बाद गाइस यहां पे अपना लॉगिन करने के लिए सिंपली क्या करना है, यहां पे आप लॉगिन करने के लिए पीएनबी मोबाइल बैंकिंग में आप यहां पे एंटर करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, आपने जो भी एम पिन यहां पे सेट किए उस एम पिन को यहां पे आपको टाइप करना है। यहां पे देख सकते हैं प्लीज इंटर 4 डिजिट एम पिन, यानी आपको उस एम पिन को यहां पे आपको टाइप करना है। तो चलिए मैं पे अपना एमपिन को टाइप कर लेता हूं। यहां पे अपना एमपिन टाइप करने के बाद इस तरह से लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहां पे आपका ऑटोमेटिक यहां पे आप क्या करेंगे, पीएनबी मोबाइल बैंकिंग में यहां पे आप लॉगिन कर चुके हैं, यानी इंटर कर चुके हैं। यहां पे देख सकते हैं गाइस मैं पे पीएनबी मोबाइल बैंकिंग में एप्लीकेशन में लॉगिन कर चुका। लॉगिन करने के बाद यहां से अपना बैंक का पासबुक डाउनलोड करना चाहते हैं, अपना बैंक अकाउंट बैलेंस देखना चाहते हैं, यहां पे देख सकते हैं सेविंग में क्लिक करेंगे। यहां पे ऊपर सेविंग में क्लिक करेंगे तो यहां पे आपका बैंक अकाउंट का यहां पे बैलेंस शो करने लगेगा, आपका जितना भी बैलेंस होगा। उसके बाद गाइस यहां पे अपना स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, यहां पे कुछ भी करना, जैसे यहां पे ऊपर देखने मिला 3 डॉट 3 लाइन, इस 3 लाइन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे अपना प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, अपना सारा कुछ यहां पे अपना मोबाइल रिचार्ज जो भी करना सारा कुछ यहां से कर सकते हैं। यहां पे आप देखेंगे नीचे में लिखा हुआ एम पासबुक, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे अपना पासबुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस इसके रिलेटेड मैं ऑलरेडी पहले से वीडियो बना रखा हूं, कैसे आपको पीएनबी का बैंक स्टेटमेंट निकालना, कैसे आप अपना किसी को रिचार्ज करेंगे, कैसे अपना मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे अकाउंट में, इसके रिलेटेड मैं ऑलरेडी पहले से मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। मेरे चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको वहां पे आपको पीएनबी से रिलेटेड सारा वीडियो मिल जाएगा, कैसे अपना बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड करना है। तो दोस्तों इस तरह से बड़ी आसानी से पीएनबी मोबाइल बैंकिंग को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इस तरह का हेल्पफुल जानकारी और लेना चाहते हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ पूछना, कुछ क्वेरीज, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।